गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गदराना में। तो दोस्तों, मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि जो बिजली के मीटर हैं उनको आधार कार्ड के साथ लिंक करना होगा। लेकिन दोस्तों, अब बिजली मीटर को लेकर एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो दोस्तों, क्या अपडेट आई है ये जानने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, जो हरियाणा में तमाम योजनाएं चल रही हैं, अब उनको परिवार पहचान पत्र से जोड़ने का काम चल रहा है। तो दोस्तों, बिजली मीटर से परिवार पहचान पत्र अटैच नहीं करवाया तो नहीं मिलेगा लाभ। इसमें हेडलाइन में लिखा हुआ है, बिजली निगम ने बिजली मीटर को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए निगम के उन कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है जो घर घर जाकर मीटर रीडिंग लेते हैं। ये कर्मचारी मीटर रीडिंग के साथ साथ परिवार पहचान पत्र को मीटर से जोड़ने का काम भी करते हैं। निगम उपभोक्ता को स्वयं परिवार पहचान पत्र अटैच करवाने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। इस कार्य के लिए मीटर रीडिंग मशीन में विकल्प दिया गया है। मशीन में परिवार पहचान पत्र की आईडी डालते ही परिवार का ब्यौरा आ जाता है और इसे मीटर से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद बिजली कनेक्शन को पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसी के आधार पर बिजली निगम के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट, अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। परिवार पहचान पत्र को मीटर से जोड़ने के बाद बिजली कनेक्शन संबंधी जानकारी भी इसी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। बिजली निगम परिवार पहचान पत्र से कनेक्शन जोड़ने के लिए डाटा अपडेट करने में जुट गया है। बिजली निगम की टीमें घर घर दस्तक दे रही है। तो दोस्तों, जहाँ पर उन्होंने फायदे बता रखे हैं कि इससे क्या क्या आने वाले टाइम में फायदे होने वाले हैं। गर्मी और सर्दी में बिजली खपत के संबंध में जब भी योजनाएं तैयार होंगी, पोर्टल का डाटा काफ़ी अहम होगा। बिजली चोरी का केस बना तो उसकी भी जानकारी आसानी से मिल पाएगी। इसी के साथ उपभोक्ताओं को नई स्कीम का लाभ मिल सकेगा। वहीं जो उपभोक्ता अटैच नहीं करेगा उसे सरकारी कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। परिवार पहचान पत्र अटैच कराने से पता चल सकेगा कि परिवार के पास कितने बिजली कनेक्शन है। यह जानकारी पोर्टल से मिल जाएगी, साथ ही लोड की जानकारी भी मिल जाएगी। सरकार बिजली की खपत का आंकलन इसी पोर्टल से कर लेगी। जिलावासी जल्द से जल्द परिवार पहचान पत्र अपने बिजली बिल से अटैच करवाएं और बिजली निगम की टीमें रीडिंग लेते समय बिजली कनेक्शन से परिवार पहचान पत्र को जोड़ रही हैं। जो उपभोक्ता अपना बिजली बिल अटैच नहीं करवाएगा उन्हें भविष्य में जो कि नई योजनाएं आ रही हैं उनका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, अब हरियाणा सरकार जो कि हर योजना को परिवार पहचान पत्र से जोड़ रही है, तो अब बिजली मीटर को जो परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जा रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी, और अगर बढ़िया लगी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।